आठ दिवसीय बोधिसत्व इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 राजधानी पटना में गैर सरकारी संगठन ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन की ओर से आठ दिवसीय बोधिसत्व इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 का आज दीप प्रज्वलन के साथ अधिवेशन भवन में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर शिवचंद राम ने कहा कि हाल में समय में बिहार में क्षेत्रीय और पटना फिल्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन किए जाने से लोगों को देश के विभिन्न भाषा जैसे बंगला पंजाबी के अलावा कई देश की फिल्में देखने का अवसर मिलता है। बिहार में सेंसर बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है और इसके लिए हमें दिल्ली का दरवाजा खटखटाना होता है। बिहार में जल्द से जल्द सेंसर बोर्ड की शाखा खोलने की जरूरत है जिससे हम अपनी फिल्मों को सेंसर कर सकें। बिहार की नीतीश सरकार राज्य में फिल्मों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। श्री राम ने कहा कि बिहार में फिल्मों के विकास के लिए जल्द ही भारत से सबसे उन्नत फिल्म नीति सामने आएगी जिसके तहत हम बाहर से आने वाले फिल्म मेकरों का सम्मान और सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। जाने माने अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भले ही वे राजनेता के तौर पर अधिक सक्रिय हैं लेकिन सिनेमा उनका पहला प्यार रहा है। श्री सिन्हा ने दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को याद करते हुए कहा कि ओम पुरी एक महान अभिनेता और उनके पारिवारिक मित्र में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ओम पुरी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वह एक अद्वितीय कलाकार और संजीदा अभिनेता थे। नेक्स्ट न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।